नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा राज्य मेरा देश देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। सबसे पहले दिन की चार वो बड़ी खबरें आज आपको बता दें जिसके बारे में मेरा राज्य मेरा देश में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले बात आंदोलन जीवियों की। पिछले 10 महीने से धरने पर बैठे पंजाब हरियाणा के किसान आज सड़कों पर उतर आए। दोनों राज्य के किसान धान खरीद की तारीख बढ़ाए जाने से नाराज नजर आ रहे हैं। हरियाणा के किसानों ने करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव किया। बड़ी संख्या में किसान खट्टर के आवास के पास जमा हुए और धरने पर भी यहां पर बैठे रहे। उसके बाद हिंसा पर उतारू हो गए। किसानों ने बैरिगेटिंग को तोड़ दिया और पुलिस वालों से भी यहां पर भिड़ गए। वो पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर के बारे में जान लीजिए जो संभल से आज सामने आई है, जहां पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने आए सपा नेता ने जमकर ड्रामा किया। सपा नेता गालिब खान गांधी प्रतिमा से लिपटकर खूब रोते हुए नजर आए। बापू बापू पुकारते हुए वो बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके पास खड़े लोगों ने उनको संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बापू को पकड़कर रोते रहे। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और तीसरी बड़ी खबर क्या है जिसके बारे में आज मेरा राज्य मेरा देश में बात होगी, वो भी जान लीजिए। दरअसल ये खबर महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी हुई है, जिसमें सीबीआई को एक ऐसा नंबर पता चला है जिससे आनंद गिरी बात करता था। सीबीआई अब इस मिस्ट्री कॉलर को खोज रही है, जिससे महंत की मौत से जुड़ा हरिद्वार कनेक्शन का सच क्या है वो सबके सामने आ जाएगा। चौथी तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे सरयू के तट पर बसी पावन नगरी में महंत ने देह त्याग का ऐलान कैसे कर दिया था और मांग ऐसी रखी है जिससे न सिर्फ यूपी बल्कि केंद्र सरकार के हाथ पैर भी यहां पर फूल गए हैं। महंत के आश्रम में एसडीएम और एसपी ने डेरा डाल रखा है और महंत को समझा रहे हैं, पर अब महंत ने जल समाधि लेने की तारीख को आगे भी बढ़ा दिया है। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएं, संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन वापस लिया। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया है। कल से हरियाणा पंजाब में धान खरीद की शुरुआत, खरीफ फसलों की खरीद के लिए ये आंदोलन था जिसे अब वापस ले लिया गया है। तो देरी से फसल खरीद के केंद्र के फैसले से आक्रोशित किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। इससे पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आंदोलन वापस लेने के लिए किसानों से अपील की थी। इससे पहले दिन भर पंजाब और हरियाणा में किसानों ने जमकर हंगामा और उत्पात कैसे मचाया, इस रिपोर्ट में देखिए। आंदोलनरत अन्नदाताओं के आक्रोश की ये तस्वीरें पंजाब और हरियाणा की है। केंद्र सरकार ने फसल खरीदी में देरी का ऐलान किया तो पंजाब और हरियाणा के कथित किसान सड़क पर आ गए। मुख्यमंत्री और विधायकों के घर का घेराव शुरू हो गया। सड़क पर फसलों को बर्बाद करने की ड्रामेबाजी होने लगी। हरियाणा के फतेहाबाद और करनाल से लेकर पंजाब के रूपनगर और मोगा से जो तस्वीरें आई हैं उसे देखने के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि जो फसल में आग लगाए, सड़कों पर फसल नष्ट करे, वो किसान कैसे हो सकते हैं। इन तस्वीरों की सच्चाई भी हम बताएंगे, लेकिन पहले वजह जानना जरूरी है। दरअसल दो दिन पहले केंद्र सरकार ने बारिश की वजह से 1 अक्टूबर से धान खरीदने की तय तारीख को 10 दिनों के लिए आगे बढ़ाने का ऐलान किया। इसी की आड़ में किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले चंद कथित किसान अपनी रोटी सेंकने लगे। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों ने विधायक दुड़ा राम के घर और ऑफिस का घेराव किया। सड़कों पर फसलों को बिखेरा, धान की खरीद जल्दी शुरू करवाने की मांग रखी और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं पंजाब के मोगा में भारतीय किसान क्रांतिकारी ने कांग्रेस विधायक हरजोत कमल के घर को घेरा, सड़कों पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और देरी से धान खरीदने के केंद्र के फैसले के विरोध में अपना रोष व्यक्त किया। हरियाणा के करनाल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। पहले तो अनाज मंडी में किसानों का जमावड़ा हुआ, फिर इस जत्थे ने सीएम आवास जाकर प्रदर्शन का रूप अख्तियार कर लिया। बीजेपी और जेजेपी विधायकों के घर पर प्रदर्शन और नारेबाजी की गई, सरकार के फैसले पर सवाल उठाया और सीएम के घर के आगे धान बेचने का दावा किया। सरकारी धान की खरीद सरकार जानबूझकर लेट कर रही है। सभी बीजेपी जेजेपी के एमएलए मंत्रियों घर घेरने का प्रोग्राम है, उसमें जो विधायक हमारा करनाल का मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री है उसके घर का घेराव किया जाएगा।
पंजाब के रूपनगर में विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह के घर के बाहर जब भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस ने बैरिकेडिंग से उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान किसानों और पुलिस में नोक झोंक भी देखने को मिली। अब सवाल ये है कि केंद्र ने अगर फसलों में नमी का हवाला देकर फसल खरीद की प्रक्रिया को 11 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला लिया है तो जाहिर है ये उन किसानों के हित में है जो अपने खेतों में खून पसीना एक कर फसल उगाते हैं। तो फिर सड़क पर उतरे ये लोग कौन हैं? क्या ये किसान हैं? कतई नहीं, क्योंकि जो अपनी ही उगाए फसलों को नष्ट करे, अपने ही जिंदगी जीने के जरिए को आग लगाए, वो भला किसान कैसे हो सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर आज 2 अक्टूबर के दिन किसान बहुल राज्य हरियाणा और पंजाब में बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिली। प्रशासन से धक्का मुक्की और झड़प की भी तस्वीर सामने आई। हिंसा नहीं करने और आंदोलन वापस लेने की नेताओं की अपील भी कोई काम आती हुई नहीं नजर आई। राहुल गांधी ने गांधी के सत्याग्रह से हिंसारत आंदोलन जीवियों की आज तुलना कर डाली। अहिंसा के पुजारी की जन्म जयंती पर किसानों के कोहराम की ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर किसानों का कोहराम, गांधी जयंती पर हिंसक किसान। गांधी के देश में किसान गुंडों के भेष में, और इस सब कुछ हुआ उस दिन जिस दिन हम हिंसा के कट्टर विरोधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। तस्वीर हरियाणा के पंचकुला की भले ही हो, लेकिन इसका सरोकार हर उस किसान से है जो खेतों में चुपचाप अपना पसीना बहाते हैं। लेकिन अफसोस कि उन्हीं के नाम पर मुट्ठी भर आंदोलन जीवी सड़क पर खून बहाने पर उतारू हैं। गुंडागर्दी का ठेका ले रखा है अहिंसा के पुजारी के नाम हिंसा जीवियों का। ये कैसा आंदोलन, कैसा विरोध प्रदर्शन है, इसे समझना जरूरी है। 2 अक्टूबर के दिन पंजाब और हरियाणा के अलग अलग शहरों में किसानों ने जमकर उत्पात मचाया, हिंसा की, फसलों को बर्बाद किया। पंचकुला में तो हिंसा की हद हो गई। देखिए कैसे किसानों ने ट्रैक्टर से हंगामा किया। सड़क पर ट्रैक्टर दौड़ते रहे, भीड़ जब उग्र हो गई तो पुलिस ने भी लाठी चार्ज कर दिया। दौड़ा दौड़ा कर इन हंगामा जीवियों पर डंडे बरसाए। पंचकुला में ये उपद्रव घंटों चलता रहा। इसी तरह की कुछ तस्वीरें सिरसा में भी देखने को मिली। सड़क पर किसानों ने हंगामा किया, गाड़ियों पर चढ़कर घंटों उपद्रव मचाते रहे। इनसे निपटने के लिए प्रशासन को भारी पुलिस बल उतारना पड़ा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी आलोचना की और किसान नेताओं से आंदोलन पर संयम रखने की अपील की। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से मिलकर किसानों के मुद्दे को उनके सामने रखा। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी किसानों की तकलीफ स्वाभाविक है कि जो जिन्होंने अपनी धान काट ली है, मंडियों में ले आए हैं, तो उनकी प्रोक्योरमेंट जल्दी होनी चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह और आज के किसान आंदोलन के वीडियो को ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला किया। राहुल ने लिखा, विजय के लिए केवल एक सत्याग्रही ही काफी है, महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कांग्रेस की मुसीबतें हैं कि थमने का नाम ही नहीं लेती है। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी है और अब छत्तीसगढ़ में भी फिर से सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 25 कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं और सभी विधायकों ने हाईकमान से मिलने का वक्त भी मांग लिया है, और ये सभी विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। क्या इस बयान के कोई सियासी मायने हैं? क्या छत्तीसगढ़ में पंजाब जैसे हालात हैं? क्या छत्तीसगढ़ में भी सीएम भूपेश बघेल की कुर्सी खतरे में है? क्या छत्तीसगढ़ में ढाई ढाई साल के सीएम वाले फॉर्मूले की जमीन तैयार की जा रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज दिन भर सुलगते रहे। इसकी वजह है क्योंकि छत्तीसगढ़ के 4 कांग्रेसी विधायकों ने आज दिल्ली का रुख किया। 19 विधायक पहले ही दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, जबकि कुछ और विधायकों के दिल्ली आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब सवाल है कि इन विधायकों का दिल्ली दौरा क्यों हो रहा है? निजी कारणों का
हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। काहे के लिए बुलाया हुआ है? आप कुछ निजी काम से? मैं अपने निजी काम। सारे एमएलए साथ भी जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म करने का प्लानिंग हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये बताया जा रहा है कि अभी और विधायक भी दिल्ली जाएंगे, तो क्या फिर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। और इधर एलएसी पर आ गया बाहुबली, जो दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को 50 किलोमीटर दूर से ही कर देगा तबाह। ये हिंद की सेना का वज्रपात है जो दुश्मन को मटियामेट कर देगा। ये भारत के शूरवीरों का विजय पथ है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये भारत के शौर्य की वज्र शक्ति है जो एलएसी से लेकर पूरे पाकिस्तान की सरहद तक हुंकार भरती है। जब सेना ने इसके पराक्रम का प्रदर्शन किया तो उसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई पड़ी। K9 वज्र तोप से कांपे चीन पाक। अब ही हिमाकत तो राख हो जाओगे। पंद्रह सेकंड में तीन गोले और दुश्मन तबाह। एलएसी पर सबसे शक्तिशाली टैंक तैनात। अब चीन पर होगा हिंद का वज्र प्रहार। इंद्र वज्र से राक्षसों का संहार करते थे, अब उसी वज्र से हिंद की सेना दुश्मन को राख कर देगी। इस वज्र के प्रहार से दुश्मन का बच पाना असंभव है। K9 शत्रुओं पर ऐसा वज्रपात करता है कि उसके नापाक इरादे धूल में मिल जाते हैं। इसकी ताकत के आगे देश के दुश्मन थर्राते हैं। विस्तारवादी चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। पहली बार लद्दाख से सटी सीमा पर भारत ने K9 वज्र तोपें तैनात की हैं। ये तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकती है। ये तोपें अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकती हैं। K9 वज्र तोप के प्रदर्शन पर बात करते हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बताया कि इसके फील्ड ट्रायल बेहद सफल रहे हैं। हमने अब सेना में एक पूरी रेजिमेंट जोड़ ली है जो काफी मददगार होगी। आर्मी का K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इसमें तोप और टैंक दोनों की खूबियां हैं। K9 वज्र में आर्टिलरी की रेंज की ताकत है। 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी ठिकाना तबाह कर सकती है। इसमें टैंक के पावर पैक्ड फीचर भी हैं। K9 वज्र टैंक किसी भी तरह के मैदान में तेजी से चल सकता है। K9 वज्र की बदौलत भारतीय सेना की आर्टिलरी की मारक क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। इसे दुनिया के सबसे आधुनिक और हाईटेक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में शुमार किया जाता है। K9 वज्र सभी मोर्चे पर अपना लोहा मनवा चुका है। इसे दुनिया के सबसे आधुनिक और हाईटेक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में शुमार किया जाता है। K9 वज्र को 35 से 50 किलोमीटर दूर से भारी गोलीबारी करके दुश्मन को मोर्चों और उसके हौसले दोनों को तोड़ देता है। सेना की शान परम योद्धा K9 वज्र भारत में ही बनाया गया है। K9 वज्र आत्मनिर्भर भारत के पराक्रम की नई पहचान है। रक्षा के क्षेत्र में भारत का अभिमान है। ये इस बात का प्रतीक है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में अब भारत महाशक्तियों की कतार में आकर खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 135 करोड़ लोगों की आन बान शान तिरंगा लेह में शान से लहरा रहा है। गांधी जयंती के मौके पर आज लेह में दुनिया के सबसे बड़े तिरंगे का अनावरण किया गया। लेह की जंस्कार पहाड़ी पर लगाया गया ये तिरंगा खादी का है और इसे हाथ से बनाया गया है और इसे बनाने में 49 दिन का समय लगा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। लेह में फहरा शान हिंदुस्तान।
जंस्कार पहाड़ी पर लहराया खादी तिरंगा। वायुसेना के चॉपर्स ने दी सलामी। लद्दाख ने आज गांधी जयंती को यादगार बना दिया। हम सब की आन बान और शान तिरंगे को गांधी जयंती पर लेह में फहराया गया। इस तिरंगे की खूबियां आपको दंग कर देंगी। लेह जंस्कार पहाड़ी पर विशाल भारतीय ध्वज तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा है। इस ध्वज की सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज है। लेह की जंस्कार पहाड़ी पर लहरा रहा तिरंगा करीब 1 टन का है। इसको बनाने में 45 से ज्यादा दिन लगे। इस खादी तिरंगे को हाथ से बनाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े ध्वज का अनावरण सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने किया। जैसे ही राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया, उसके बाद धरती से लेकर आसमान तक हर जगह भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। सेना के जवानों ने लद्दाख के उपराज्यपाल सेना प्रमुख के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर दुश्मनों की हर नापाक साजिश को नाकाम बना रही भारतीय वायुसेना ने भी अपने हेलीकॉप्टरों से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। जिसने भी ये नजारा देखा, हर किसी को गौरव की अनुभूति हुई। वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भारत चीन गतिरोध पर कहा कि पिछले 6 महीनों में स्थिति काफी सामान्य रही है। हमें उम्मीद है कि 13वें दौर की होने वाली वार्ता से सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। धीरे धीरे सभी गतिरोध का हल मिल जाएगा। पिछले 6 महीने से यहाँ स्थिति काफी सामान्य है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 1 साल से बातचीत का दौर जारी है। अब तक 12 दौर की बातचीत हो चुकी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 13वें दौर की बातचीत भी जल्द शुरू होगी। 225 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े खादी के इस राष्ट्रीय तिरंगे का वजन 1000 किलोग्राम है, जिसे सेना के 57 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। इस तिरंगे की खूबसूरती 37,500 वर्ग फुट के क्षेत्र तक दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। हिंदुस्तान पर महंत परमहंस का बड़ा ऐलान, बोले अब जल समाधि नहीं लूंगा, मैंने समाधि लेने का फैसला वापस लिया। महंत परमहंस ने कहा, हिंदू संगठनों के कहने पर मैंने जल समाधि डाली, मैंने जनभावनाओं को ख्याल में रखा। महंत परमहंस ने कहा, हिंदू राष्ट्र के लिए जन आंदोलन करेंगे, 7 नवंबर 2023 तक आंदोलन होगा। महंत परमहंस ने कहा, दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन करूंगा, 7 नवंबर 2023 को आमरण अनशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर के लखनऊ दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज, यूपी नगर विकास विभाग और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे की तैयारियों का निरीक्षण, सीएम योगी ने गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान, निजी स्कूल और कॉलेजेस में एक ही परिवार की 2 बेटियां पढ़ रही हैं तो एक की फीस होगी माफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उत्कृष्ट सेवा करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित, कहा जिसका जनता के साथ जितना गहरा संवाद वो उतना ही सफल। गोरखपुर की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दर्द छलका, कहा पुलिस की छोटी सी गलती नायक से खलनायक बना देती है। वाराणसी से कांग्रेस महासचिव प्रियंका की रैलियों का होगा आगाज, 10 अक्टूबर को प्रियंका वाराणसी में करेंगी रैली। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान के बीच कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऐलान, भूपेश बघेल को बनाया गया यूपी कांग्रेस का वरिष्ठ पर्यवेक्षक। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, बीजेपी जो जिम्मेदारी दी उस पर निषाद पार्टी ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की पाक की सफाई, नेताओं का कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का एक और वीडियो आया सामने, वायरल वीडियो में ईसाइयों के खिलाफ दिया बयान। वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन ने कुरान को मानवता के लिए गाइडेंस बताई, बाकी धार्मिक किताबों को बताया बेकार। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिसकर्मी पर लगा युवक को पीटने का आरोप, आरोपी सिपाही को एसपी ने किया लाइन हासिल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोल्ड ड्रिंक पीने से 18 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, डॉक्टर्स ने 6 को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया, कार से आए 2 लोगों ने बांटी थी कोल्ड ड्रिंक। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अस्पताल में भर्ती दिव्यांग युवती से रेप का आरोप, मेडिकल स्टोर के कर्मचारी को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से की चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कॉलोनी में निकला जहरीला सांप, वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू किया।
और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही दो बहनों में से एक की फीस माफ करने की योजना बनाई है। और इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को लोकभवन में प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा मेधावी छात्र छात्राओं को 177 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन हस्तांतरण भी किया। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपकी दो बेटियां हैं, दोनों निजी स्कूल में पढ़ती हैं और स्कूल की भारी भरकम फीस तले आप दबे हैं, तो ये खबर आपके लिए राहत भरी है। जी हाँ, क्योंकि अब आपको एक बच्ची की फीस नहीं देनी होगी। इस बाबत शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐलान कर दिया है। अगर किसी परिवार में दो या दो से अधिक बालिकाएं एक साथ पढ़ रही, एक विद्यालय में पढ़ रही हैं, शासन के स्तर पर हम स्नातक तक की फ्री एजुकेशन बालिकाओं के लिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना जरूरी है। अगर निजी स्कूल ऐसा नहीं करते हैं तो संबंधित विभाग एक छात्रा की फीस का प्रबंध करे, इसके लिए जिला स्तर पर नोडल अफसर बनाए जाएं। निजी क्षेत्र के विद्यालयों में जो बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं, अगर दो बहनें हैं तो एक बहन की फीस को वे माफ करने की कार्रवाई करेंगे, नहीं करती हैं तो विभाग को शासन स्तर पर इस पर विचार करना चाहिए कि उन बालिकाओं की फीस को हम शासन स्तर से वहां पर प्रदान करने की व्यवस्था कर सकें, ट्यूशन फीस। राज्यपाल के साथ लोकभवन में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार मेधावी छात्र छात्राओं को हर स्तर पर सहयोग कर रही है। सरकारी स्कूलों में तो उनका लगभग निशुल्क पठन पाठन का काम हो रहा है। अब हम एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं और ये योजना बालिका शिक्षा पर सीएम योगी की एक बड़ी पहल है। इतना ही नहीं, गांधी जयंती के अवसर पर लोकभवन में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के 1,51,000 छात्रों के अकाउंट में 177 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति भी भेजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कैमरा देखते ही नेता ड्रामा करने लगे, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन संभल के समाजवादी नेता ने बापू की प्रतिमा के सामने घड़ियाली आंसुओं का ऐसा दरिया बहाया कि संभल के लोगों को कहना ही पड़ गया कि अब बस कीजिए नेताजी, इस ओवर एक्टिंग से आपका भला नहीं होने वाला। बापू, बापू, कैमरा ऑन, नेताजी की नौटंकी शुरू। समाजवादी पार्टी की ड्रामा कंपनी, एक्टिंग ऐसी शर्मा जाए बॉलीवुड एक्टर। बाबू, बाबू, राष्ट्रपिता के नाम पर घड़ियाली आंसू। ये रोते बिलखते नेताजी संभल के हैं जो गांधी प्रतिमा के सामने रोने का ड्रामा कर रहे हैं। नेताजी बापू बापू पुकारते हुए बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके पास खड़े लोगों ने उनको संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बापू को पकड़कर रोते ही रहे। एक बार पहले आप नेताजी का पूरा वीडियो देखिए। ये समाजवादी पार्टी के नेता गालिब खान हैं, जो 4 साल से बापू की मूर्ति की स्थापना करने के लिए प्रशासन से जमीन की मांग कर रहे हैं। ऐसा इनका कहना है कि इन्हें अभी तक जमीन नहीं मिली है। बापू की प्रतिमा को पकड़कर रोने की नौटंकी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पहली बार नहीं की है। इससे पहले भी सपाइयों के रोते बिलखते हुए नौटंकीबाजी के वीडियो वायरल हो चुके हैं। 2 साल पहले सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान भी गांधी प्रतिमा को पकड़कर ऐसे ही बिलक बिलक कर रो रहे थे। जिसको लेकर सपा नेता फिरोज खान सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी हुए थे। समाजवादी पार्टी के नेता की आज वाली नौटंकी बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग नेता की करतूत को नौटंकी बता रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स तो इसे सपा के चुनावी आंसू भी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करने वाले तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु परमहंस आचार्य फिलहाल जल समाधि लेने का जो प्लान था उसे टाल चुके हैं। परमहंस ने जिला प्रशासन के साथ सार्थक बातचीत होने की बात कही है। परमहंस आचार्य ने आज दोपहर 12 बजे हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी ना होने पर सरयू नदी में जल समाधि लेने का संकल्प लिया था। रिपोर्ट देखिए।
हम जो है जल समाधि के उस निर्णय को छोड़ करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। महंत परमहंस नहीं ले पाए जल समाधि। हाउस अरेस्ट की वजह से सपना अधूरा। एक संत के समाधि की इच्छा अधूरी रह गई। सरयू में डूबकर देह त्याग की अभिलाषा आज पूरी नहीं हो पाई। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस आचार्य का वादा वादा ही रह गया, क्योंकि महंत परमहंस को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट जो कर दिया। ऐसे में बाबा ने अपने जल समाधि के फैसले को फिलहाल के लिए टाल दिया है और अपने अगले निर्णय का ऐलान भी कर दिया है। 7 नवम्बर 2023 को अगर तब तक नहीं हुआ तो रामलीला मैदान में करोड़ों, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में सभी हिंदू भाई बहन, सभी हिंदूवादी संगठन एकजुट होकर के वहां फिर मेरा आमरण अनशन होगा और 24 के पहले भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। मुझे मोदी जी पर विश्वास है। हालांकि इससे पहले शुक्रवार को दोपहर 12 बजे जल समाधि नहीं लेने देने पर बाबा ने नजरबंदी से मुक्त होने पर जल समाधि लेने की बात जरूर कही थी। उन्होंने कहा था, जब मुझे छोड़ा जाएगा वो घड़ी मेरे लिए आखिरी होगी। से छुट्टी मिलेगी जब भी प्रशासनिक बेड़ियों से मैं मुक्त होऊंगा, तो हमारे लिए वही 2 अक्टूबर होगा, वही दिन का 12 बजे, और उसी समय मैं सरयू जी में जल समाधि लेकर के भारत माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए वंदे मातरम बोलते हुए दुनिया को अलविदा कहूँगा और देशवासियों से अपील करूँगा कि मोदी जी के ऊपर विश्वास करिए और संघर्ष करिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराइए। दरअसल ये पूरा मामला महंत परमहंस के उस हठधर्मिता को लेकर उठा जिसमें उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करने पर 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे के बाद सरयू में जल समाधि लेने की बात कही थी। इसी के मद्देनजर शनिवार को पूरे दिन अयोध्या में हलचल रही। सुबह से प्रशासन ने फोर्स की तैनाती बढ़ा दी थी और महंत परमहंस आचार्य को नजरबंद कर दिया था। ऐसे में अब इंतजार है महंत परमहंस आचार्य के अगले कदम का, या फिर यूं कहें कि 7 नवंबर 2023 का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।